अब आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। अभी तक हम पढ़े भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़ घटाना हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, गुणा भाग हम पढ़ चुके। आज अध्याय 6 हम दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना, नियम 1, नियम 2, 3, उदाहरण 7/10, 27/100, 49/1000, 125/100, इसको हल किया गया, इसको आप अपनी कॉपी में लिखना है, उदाहरण हल करना है। और ये उदाहरण ऊपर वाला भी हल करना आपको, पेज 36 का, और उदाहरण 1, उदाहरण 2, इसको पूरा 36 वाला हल करना जितना उदाहरण है। आप हम इसको दशमलव भिन्न में लिखिए। पहला सवाल देखिए, 3/10, 3/10 को हम दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले भाग देते हैं, नीचे वाली गिनती बाहर और ऊपर वाली गिनती अंदर। 10 का पहाड़ा 3 में नहीं जाता, 3 छोटा है, 10 बड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हम 3 के बगल एक 0 बढ़ा देंगे। अब क्या हो गया, ये 30 हो गया, 10 हो गया। 10 का पहाड़ा हमने 30 में बोला, 10 किया ही 30 कट गया पूरा। अब उत्तर आया 0.3। इसी तरह पूरा सवाल हल करेंगे। एक बड़ा सवाल देखिए, 1/6/10, 1/6/10, इसको हम पहले मिश्र भिन्न में बनाएंगे, ये विषम विषम भिन्न बनाएंगे, मिश्र भिन्न में है। 10 को 1 से गुणा किया, 10 एकम 10, अच्छा ऊपर जोड़ दिया 16, ये हो गया 16/10। अब 16, 10 बाहर और 16 अंदर, 10 एकम 10 कट गया, 6 आया। अब यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, दक्षिण 60 कट गया पूरा। जब तक नहीं कटेगा तब तक 0 लगा के 0 बढ़ाते जाएंगे, उसको भाग देते जाएंगे। आ गया उत्तर, आया 1.6। अब एक बड़ी संख्या देखिए, 6425, 6425, 6425 बटे 1000। आप 1000 बाहर, 6425 अंदर। अब 1000 का पहाड़ 6000 रुपये, 6 एकम 6000, अब घटा दिया 5, 2, 4, 6 में से 6 गया 1। अब यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, अब 4 बार ले जाएंगे। अब यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 4000, अब 0, 5, 2 कटन, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 2 बार ले गया, 2000 लिख करके घटा दिया, फिर यहाँ आया 500, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 5 बार गया। अब जहाँ का पूरी गिनती कट जाएगी वहीं पर पूरा उत्तर आएगा, 6.425, ये आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 0.9। दूसरा सवाल देखिए, 0.9, अब इसके नीचे हम डंडी खींच दिया, बटे लगा दिया, अब बटे 9 के नीचे 0.1, के नीचे 1, अब ये 0.1 कट गया, उत्तर आ गया 9/10। ये उत्तर क्या बना, 9/10 सवाल हल हो गया। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये। इसी तरह एक सवाल और देखिए, 1.7, अब यहाँ 0.1 के नीचे 1.1 कट गया, बचा कितना, ऊपर 17 बचा, नीचे बचा 10। अब एक बड़ा सवाल देखिए, 1.25, 1.25,
बटे तीन के नीचे जीरो, पांच के नीचे जीरो, दो के नीचे जीरो और एक दशमलव के नीचे एक। अब दशमलव कट गया आपका, उत्तर क्या बना 1253 बटे 1000, ये आपका उत्तर सवाल हो गया। अब इसी तरह से संक्षिप्त रूप में लिखिए, इसी तरह पूरा सवाल आपको हल करना है। अभ्यास 15, अभ्यास 15 रखा जाइए, यही अब हल करिए। अभ्यास 15 कल हम आपको बताएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, अब इसको कल बताएंगे।